दिल्ली में मुंबई में चले जाइए, पीछे पता ही नहीं चलेगा जा रहा है कि जा रही है। मुसलमानों, दिल्ली जाने वाले, मुंबई जाने वाले, तुम दिल्ली वालों की नकल करने नहीं आए हो, मुंबई वालों की नकल करने नहीं आए हो। अरे नकल ही करना है तो दुनियादार की नकल ना करो, मदीने वाले सरकार की नकल करो। दुनियादार की नकल करोगे परेशान हो जाओगे, मुस्तफा की नकल करोगे कामयाब हो जाओगे। बहान अल्लाह। हमारा नौजवान इतना बिगड़ गया, हाफिज मकसूद साहब, जुमा के दिन, जुमा के बाद हमारे नौजवान कुछ खैनी लेके आते हैं। आप हंसते हैं, हम हंसाने नहीं आए हैं साहब। हमारा अंदाज़े गुफ्तगू है कि आपको हंसी आती है, और इसी अंदाज़े गुफ्तगू से पूरे भारत और पूरे नेपाल में घूम के तकरीर करता हूँ मैं। मेरे जुमले तो हंसी वाले होते हैं, लेकिन हर जुमलों में इस्लाह हुआ करती है। गौर करना मेरी बातों को, अपने आत्मा में सम्मान देना मेरी बातों को। हंसते हंसते अगर तुमने मेरी बातों पर नकल कर लिया, अगर तुमने इसको अपने आसमा अपने आत्मा में सम्मान दे दिया और इस पर अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर दिया, तो तेरे जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा, तुम कामयाब हो जाओ। आपने क्या तकरीर की, आपने तो हिला दिया। जुमा के बाद मौलाना साहब बोले के अच्छा ठीक है, बोला आपने जुमा में क्या तकरीर की, आपने तो हिला दिया है। मौलाना को चाट रहा है। असर की अजान हुई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, सब लोग मस्जिद जा रहे हैं और ये खैनी वाला मौलाना पूछने लगे कहाँ जा रहे हो, नमाज पढ़ लो। बोले पढ़िए ना, हम आ रहे हैं। नमाज नहीं पढ़ोगे? बोले पढ़िए ना, हम आते हैं ना। नमाज नहीं पढ़ोगे? धीरे से कान में कहता हजरत आप पढ़िए ना, हम आ रहे हैं। क्या हुआ तुमको? कहता हुजूर हम नापाक हैं। हाय 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 हाय, आप नापाक हैं? आप मुसलमान हैं और नापाक हैं? मुसलमानों जलसा सुनो, लेकिन सुन करके अमल करो। अमल तुम करते नहीं, जलसा सही से सुनते नहीं, उलमा का खिताब सुनते नहीं, जिसका नतीजा है 20 साल 25 साल से आप जनाजे की नमाज पढ़ रहे हो, 25 साल से कोई, 30 साल से कोई, 50 साल से, और उसको जनाजे की नियत पूछ दीजिए तो मालूम है नहीं। 20 साल से ईद की नमाज पढ़ते हैं आप, लेकिन आपको ईद की नमाज की नियत नहीं मालूम। कितनी तकबीरें हैं आपको पता नहीं है। ए मुसलमानों गौर से सुनो, उलमा ने मौलाना ने कहा कि नमाज नहीं पढ़ोगे, कहा नापाक है हजरत, आप नापाक रहते हैं। मिश्कात शरीफ बाबु तहारत की हदीस पाक, अत्तहुरु शतरुल ईमान, सुभानल्लाहि तमलाउल मीजान वलहम्दुलिल्लाहि तमलान औ तमलाउ मा बैनस समावाति वल अर्द। पाक रहना आधा ईमान है। सुभान अल्लाह, पाक रहना, कल से रहेंगे, बोलो इंशाल्लाह। पाक रहिए मेरे भाई, पता नहीं कहां मर जाइएगा, कौन जानता है। कोरोना चल रहा है, कोरोना फिर आ रहा है, कहां इंतकाल हो जाएगा कोई जानता है। अगर नापाकी के आलम में मर गए फिर क्या होगा, इसलिए पाक रहिए। एक बीमारी और है हमारी कौम में, नमाज नहीं पढ़ेगा पाक नहीं रहेगा, अब मौलाना के पीछे पीछे घूमेगा। मौलाना एक तावीज लिख दीजिए। बोले क्या हुआ? बोले बहुत कमाते हैं, बरकत नहीं। तावीज मत लटकाओ, मौलाना को लटका लो, पर भी काम नहीं होगा। आप चाहते हो कि घर में बरकत हो, कौशल वाला कॉन्फ्रेंस से इब्राहिम रजा का नुस्खा लेके जाओ और एक महीने के बाद टेलीफोन करना, फिर बताना तेरे घर की क्या हालत है, नुस्खा बता दूं। सब लोग बोलो सुभान अल्लाह।
आज ही जलसे से उठो, इरादा कर लो हम किसी भी हाल में रहेंगे पाको साफ रहेंगे, अपने घर की तमाम औरतों को पाक रहने की तरकीब देंगे, घर के छोटे छोटे बच्चों को भी पाक रहने का सिखाएंगे। कसम खुदा की जब आप पाक रहोगे हमारे घर की माँ बहने पाक रहेगी, छोटा छोटा बच्चा भी पाक रहेगा। रहमत का फरामत के फरिश्तों का नजूर आपके घरों में होगा, बरकतों का मेला लगता नजर आएगा। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से और मचल के जरा हाथों को उठा के। आप लोग मन ही मन में सोच रहे हैं कि बहुत सब कुछ ठीक है, ये मौलाना इब्राहिम साहब जब से खड़े हुए बोले खाली सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। हम इसलिए इतना सुभान अल्लाह कहवाते हैं प्यारे कि आपको सुभान अल्लाह कहने की आदत पड़ जाए, सुभान अल्लाह कहने की आदत हो जाए। चलिए तो बोलिए, उठिए तो बोलिए, बैठिए तब बोलिए, घर में जाइए तब बोलिए, बाहर निकलिए तब बोलिए, मोबाइल का बटन दबाइए तब बोलिए, मोटरसाइकिल का सेल्फ मारिए तब बोलिए। कल से आपका छोटा लड़का कहेगा अम्मी पापा पागल हो गया, माँ कहेगी क्यों, का कभी नहीं सुभान अल्लाह बोलता था, जलसा से आया है चलता है तब बोलता है, बैठता है तब बोलता है, घर में जाता है तब बोलता है, मोबाइल का बटन दबाता है तब बोलता है, मोटरसाइकिल का सेल्फ मारता है तब बोलता है। माँ कहेगी बेटा तेरा बाप पागल नहीं है, तेरे बाप को अलमा सोरा नुकमा ने इतना सुभान अल्लाह कहवा दिया है कि सुभान अल्लाह कहने की आदत पड़ गई है। ए बेटा अपने बाप के लिए दुआ करते रहो, जब तक जिंदा रहे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बोले, और जब मर जाए तो सुभान अल्लाह बोलता हुआ मर जाए। पंडित जी ने आप सुने, संस्कृत सुनिए, संस्कृत सुनिए, मैं आपको सुनने के काबिल बना दिया हूँ। तकरीर सुनना चाहते हैं आप, हम तकरीर शुरू करें, अभी तक तो आपको हम कलमा पढ़ा रहे थे लेकिन आप तकरीर शुरू करना। पंडित जी ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, हृदय से पाप निकल जाएगा, मोहम्मद के नाम का माला जपो तो जन्नती हो जाओगे, ये हिंदू धर्म की किताब से मैंने पढ़ा है। और जब इस श्लोक को इस मंत्र को बाबा गुरु नानक ने देखा तो कलम उठाया और उसने लिखा, इस मंत्र को देखने के बाद पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ो नानक तब स्वर्ग हुए कबूल। और तुलसी जी ने कहा निगम अगम ओ तेज अपारा, अपन मत सबका समझावा, तुलसी भजन भजन सत कोई, बिना मोहम्मद पार ना होई। निगम अगम हो तेज अपारा, अपन मत सबका समझावा, का जिस तरह इसको मतलब समझा दूं, बहुत कम है हमको टाइम कम मिला है इसलिए जल्दी जल्दी सुनिए। निगम अगम हो तेज अपारा, हमारे धर्म का इतना पाक पवित्र मंत्र है। अच्छा आप लोग जानते हैं माचिस, अब माचिस में जो अंदर रहता है जिससे ऐसे मार के क्या बोलते हैं, अब हर इलाके में हर भाषा है, दिल्ली बोलते हैं हमारे यहाँ, क्या बोलते हैं अच्छा एक बात बताओ प्यारे, आज कलमा को मिटाने की बड़ी कोशिश, एक पागल परसों कलमा पढ़ना छोड़ के कुछ और देखे कि नहीं, फेसबुक पे चल रहा है, लेकिन सुनो तुलसीदास ने कहा निगम अगम होते जपारा, का जिस तरह माचिस की तिल्ली से आग लगाई जाती है, आग लगाते ना तो इतनी सी आग होती है, इतनी होगी, लेकिन जब उस आग को छोड़ दो तो धीरे 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 इतनी आग हो जाएगी उसका बुझाना मुश्किल हो जाएगा। उसने कहा कि मोहम्मद का कलमा ऐसा कलमा होगा जो लेकर तो मक्का में तन्हा आएगा, लेकिन जब धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल जाएगा तो उस कलमा का मिटाना मुश्किल हो जाएगा। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, मैं पूरी दुनिया के लोगों को चैलेंज कर
करता हूँ। धर्म इस्लाम जैसा कलमा फैलने वाला किसी धर्म का मंत्र नहीं है, जो फैला तो फैलता ही रह गया। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से। तो इतना अच्छा हमारे धर्म का कलमा है जिस कलमा को हम पढ़ते हैं, और हिंदू धर्म से दावा किया गया, अपनी किताब तो छोड़िए अभी, हिंदू धर्म की किताब से दावा किया उन्होंने कि इस कलमा के पढ़ने वाले का गुनाह मिट जाता है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह मिटता है, क्या होता है? उसने कहा मिटता है, क्या मिटता है? लेकिन हमारे धर्म का एक बहुत बड़े महात्मा व्यक्ति, बहुत बड़े व्यक्ति एवं वक्ता, हमारे धर्म के एक बहुत बड़े महात्मा जिनका नाम है हजरत बायजीद बुस्तामी, कह दो सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठा के कह दो सुभान अल्लाह। हजरत बायजीद बुस्तामी दलील देते हैं, उसने दावा किया कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह मिटता है, लेकिन दलील सुनो कितना गुनाह मिटता है। हजरत बायजीद बुस्तामी कहते हैं कि जब बंदा मोमिन एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता है तो 12,000 गुनाह मिट जाता है। कितना गुनाह मिटता है? जरा जोर से बोलो 12,000। और जब कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला उसके नाम आमाल में 12,000 सवाब लिख देता है। सुभान अल्लाह, सुभान। कितना गुनाह मिटता है? कितना? और सवाब कितना मिलता है? 15,000 काहे नहीं मिलता है? 10,000 क्यों नहीं मिलता? इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 हुरूफ है। कितने हुरूफ हैं? कोई दिक्कत? कितने वर्ड्स हैं? जोर से बोलो प्यारे। अरे मैं नेपाल से आया हूँ, इंडिया से बाहर से। आप अच्छी तरीके से सुनिए, अच्छे माहौल बनाकर। नेपाल जाऊंगा तो बताऊंगा कि उड़ीसा गया था। जोर से बोलो कितने हरूफ है? ला इलाहा इल्लल्लाह में 12, मोहम्मद रसूलुल्लाह में 12। जब बंदा ए मोमिन एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, अल्लाह ताला 12,000 गुनाह सगीरा मिटा देता है। और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता